साल 2005, भारत में क्रिकेट प्रेमी शादी के इस कार्ड से चौंक गए थे। जुनैद यानी क्रिकेट के दिग्गज और पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान जावेद मियादाद के बेटे। जिस वक्त ये खबर सामने आई, उस वक्त जावेद मियादाद पाकिस्तानी टीम के लिए कोचिंग कर रहे थे। जावेद मियादाद के बेटे जुनैद का निकाह माहरुख से हो रहा था। जल्द ही सामने आ गया कि माहरुख तो अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की बेटी है। वो दाऊद इब्राहिम जिसे मुंबई धमाकों से लेकर मैच फिक्स करने तक का जिम्मेदार कहा जाता है। ऐसे में पाकिस्तानी नहीं भारतीय मीडिया की निगाहें भी इस रिश्ते पर लग गईं। 23 जुलाई 2005 को दुबई के एक 5-स्टार होटल में शादी हुई। जब मैं यहाँ पहुँची तो जावेद मियादाद ने मेरा भी स्वागत किया। खुशी झलक रही थी उनके चेहरे पर आंखें बेबस दिखी। उन्होंने बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कहीं नाम बदनाम होंगे लेकिन ये बच्चे मासूम हैं, ना उनका कसूर है ना उनके रिश्ते का। उस वक्त मीडिया में इस निकाह को खूब चर्चा मिली। पता चला कि ये शादी दोनों परिवारों के बीच पुरानी नजदीकी की वजह से हुई है। मेरी बेगम और दाऊद भाई की जो बेगम है वो तो बहुत ही भाइयों बिल्कुल बहनों की तरह है, बल्कि जो दाऊद भाई की जो वाइफ है वो मेरी मदर की हमारी रिश्तेदारी भी लगती है। मेरी मदर की आप सबको पता है, मैं तो इंडिया में आता हूँ कि मैं भी तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लामाबाद में कोई इसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही। यहाँ पर बहुत से लोगों को पहले से पता है कि जावेद मियादाद साहब जो है वो उनके वालदैन इंडिया से हिजरत करके आए थे कराची, और उनके अभी भी रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं। उनकी वालदा की रिश्तेदारी है पहले से दाऊद इब्राहिम के खानदान से, तो इसलिए हमारी इतला तो यही है कि इनके बेटे की और दाऊद इब्राहिम की जो बेटी है इनकी दुबई में मुलाकात हुई थी, और उसके बाद इनकी जो फैमिली के कुछ जो तकरीबात होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उनमें भी मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद कराची के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में दावते वलीमा भी दिया गया। इस शादी को लेकर दुनिया भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी क्योंकि उन्हें तलाश थी डॉन दाऊद इब्राहिम की। लेकिन कहा जाता है कि खुद दाऊद इस रिसेप्शन में नहीं आया। शादी तो हो गई लेकिन इसका नतीजा खुद जावेद मियादाद को भी भुगतना पड़ा। भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी का समझी होने के नाते उनका भारत आना रोक दिया गया। लेकिन 8 साल बाद अब वीजा मिलने पर एक बार फिर जावेद मियादाद भारत आ पाएंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद मियादाद ने भारत आने की पूरी तैयारी कर ली है। 8 साल बाद भारत आ रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जावेद मियादाद। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी खबर के मुताबिक खुद जावेद मियादाद ने इस बात का खुलासा किया है कि 6 जनवरी को दिल्ली में होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे वनडे मैच को देखने के लिए वो भारत आ रहे हैं, और इस भारत यात्रा के लिए उन्हें वीजा भी मिल चुका है। मेरा वीजा और टिकट तैयार है, मैं तीसरे वनडे मैच के लिए 6 जनवरी को दिल्ली में मौजूद रहूंगा। साल 2005 में ऐसी खबरें आई थी कि जावेद मियादाद के भारत आने के लिए वीजा अर्जी को नामंजूर कर दिया जाएगा, और इसकी वजह थी उनके बेटे जुनैद की दाऊद इब्राहिम की बेटी माहरुख से शादी। दाऊद इब्राहिम का नाम साल 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के मामले में भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। लेकिन पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी खबर के मुताबिक मियादाद को इस बार वीजा के लिए कोई मुश्किल नहीं हुई। मुझे भारत के लिए वीजा हासिल करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। मैं इस बड़े मुकाबले के लिए दिल्ली जाने को लेकर काफी उत्साहित हूँ। मौजूदा वक्त में जावेद मियादाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में दूसरे नंबर पर सबसे ताकतवर अधिकारी माने जाते हैं। वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में महानिदेशक पद पर हैं। जावेद भाई डीजी है, और जो बोर्ड का जो सारा फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है या इंटरनेशनल का जितना भी है, मेरे ख्याल जावेद भाई उसको देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के कुछ पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों को मैच देखने के लिए भारत भेज रहा है। मेरे ख्याल में ये चेयरमैन साहब ने, जका अशरफ साहब ने बहुत अच्छी चीज की है जो पहले किसी ने नहीं की, क्योंकि जितने हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, जिनकी पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमात है, उनको इस तरह लेके आना, तो मेरे ख्याल में ये बोर्ड का बहुत अच्छा इकदाम है। जावेद मियादाद अगर 5 जनवरी को भारत आते हैं तो ये 8 साल बाद उनका भारत दौरा होगा। अपने आखिरी भारत दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने पाकिस्तानी अखबार से ये भी कहा कि वे विश्व कप सेमीफाइनल के दौरान भारत आने वाले थे। मैं एक टीवी कार्यक्रम के लिए भारत आया था। मोहाली में हुए विश्व कप सेमीफाइनल मैच के लिए भी मेरा वीजा तैयार था, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ वजहों से मुझे अपना दौरा रद्द करना पड़ा। अखबार डॉन में छपी खबर के मुताबिक जावेद मियादाद 5 जनवरी को भारत आने वाले हैं। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या अब से पहले जावेद मियादाद को वीजा मिलने में परेशानी होती थी? अगर तब परेशानी होती थी
तो अब उन्हें वीजा कैसे मिल गया? पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद को वीजा दिए जाने से उठे विवाद से पल्ला झाड़ते हुए गृह मंत्रालय का ये कहना है कि गृह मंत्रालय ने क्रिकेट मैच के लिए वीजा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके आधार पर पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से वीजा जारी किया जा रहा है और जो भी वीजा शर्तों का पालन कर रहा है उसे वीजा दिए जाने पर गृह मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जावेद मियांदाद को व्यक्तिगत तौर पर वीजा नहीं दिया गया है, उन्हें ग्रुप वीजा दिया गया है। ग्रुप वीजा पाकिस्तानी टीम, उसके कोच, पीसीबी के अधिकारियों और जिन लोगों के पास मैच के और भारत से वापसी के टिकट है उन्हें दिया गया है। पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके जावेद मियांदाद का नाम सुनते ही आंखों के सामने उनसे जुड़े कई विवाद भी सामने आ जाते हैं। फिर चाहे वो 1992 के विश्व कप में किरण मोरे के साथ उनकी झड़प हो या फिर 1986 में चेतन शर्मा के ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया गया छक्का जिससे पाकिस्तान को जीत मिली थी। साल 1986 जब छक्का मारकर दिलाई थी जीत। 10 अप्रैल 1986 शारजा। वो 1986 के अप्रैल महीने की 10 तारीख थी जब शारजा की गर्मी में भारत और पाकिस्तान के बीच सांसें रोक देने वाला मुकाबला आखिरी गेंद तक पहुंच गया। भारत को जीत के लिए सिर्फ एक विकेट चाहिए था और पाकिस्तान की जीत के लिए चाहिए थे 4 रन। क्रीज पर थे जावेद मियांदाद और गेंद थी चेतन शर्मा के हाथ में। हर कोई भारत की जीत को तय मान चुका था। चेतन शर्मा का ओवर चल रहा था। चेतन शर्मा ने अपने ओवर की आखिरी गेंद फेंकी, वो गेंद फुल टॉस रही। जावेद मियांदाद ने उस गेंद को बाउंड्री के पार 6 रन के लिए मार दिया। पाकिस्तान मैच जीत गया। इस मैच के बाद से जावेद मियांदाद का नाम हर हिंदुस्तानी की जुबान पर चढ़ गया। जिस तरह से उन्होंने मारा वो मैच पूरे अपने हाथ से चले गए और मशहूर हुए, मैं कहूँगा मशहूर हुए हमारे चेतन शर्मा जी, क्योंकि जिस तरह से उनके उनके बॉल पर ही छक्का पड़ा है। तो ये ऐसे कई बार क्रिकेट में हुआ है। कोई भी लास्ट बॉल पे छक्का मारेगा तो ये क्रिकेट में बहुत कम चीज़ देखने में आती है, इसलिए सारों को याद है कि जी। और जावेद भाई स्पेशली उस छक्के के बाद मशहूर भी बहुत हुए और मैच भी शारजा में ऐसी जगह पे थे जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशन इन्वॉल्व थे सारों के। तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है कि जी इस तरह की आपस की चीज़ें हों तो जो हमेशा याद रहती हैं, यही पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का सबसे ज़्यादा मज़ा है। साल 1992 वर्ल्ड कप में फ्रॉग डांस। पाकिस्तान की टीम 217 के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और उसके 17 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज जावेद मियांदाद क्रीज पर आए। पाकिस्तान को हराने के लिए भारत को फॉर्म में चल रहे मियांदाद का विकेट चाहिए था। भारत के उस वक्त के विकेट कीपर किरण मोरे ने लगातार 2-3 बार जावेद मियांदाद के खिलाफ अपील कर दी। मियांदाद परेशान हो गए। मियांदाद उनकी नकल उतारने लगे और मैदान में उन्होंने 3-4 बार फ्रॉग जंप भी की, साथ ही साथ किरण मोरे को चढ़ाया भी। लेकिन आखिर में जश्न टीम इंडिया ने मनाया जब पाकिस्तान को हार मिली। किरण के साथ जो हुआ था, वो जावेद भाई जिस तरह से किरण को छेड़ रहे थे और किरण उनको छेड़ रहा था, तो वो एक बॉल जैसा आया वैसे उन्होंने थ्रो करने के बाद, और वो थ्रो भी किसने किया था, वो मैंने थ्रो किया था, सीधा वो उनके बॉडी पर गया। तो जैसे किरण ने उठाया बॉल, उसे बेल्ट गिरा दिए और उसके बाद जो जावेद मियांदाद कूदने लगे, हम लोग भी हैरान हो गए क्योंकि क्रिकेट में कभी ऐसा देखा नहीं हुआ, ऐसा क्षण कभी देखा नहीं था। लेकिन उसके बाद जो टाकरा हुआ, उसके बाद जो ये जो बातें हुई, बहुत बहुत मज़ेदार हुई। और हमारे जो कैप्टन थे उनको हमने बोला कि जाके बाबा जावेद भाई से बात करो और अंपायर से बात करो। तो ये बहुत ही फनी इंसिडेंट था। देखिए, वो एक किस्सा था जब पाकिस्तानी टीम थोड़ी प्रेशर में थी, आउट हो गए थे 3-4 खिलाड़ी जल्दी, और उस वक्त जो कहते हैं ना, जावेद मियांदाद को अगर तंग किया जाए तो उसको आउट किया जा सकता है। तो उसी तरीके से हमने स्ट्रेटजीज अपनाई। किरण मोरे जो सबसे मशहूर हैं पीछे से बोलने में, तो उन्होंने थोड़ी उनको उकसाया और उकसाने का फ़ायदा हुआ इंडियंस को कि उनसे ज़्यादा रन नहीं बने और उस तरीके से खेल नहीं खेला गया जिस तरीके से जावेद मियांदाद मशहूर हैं। तो यही हमारी जीत थी और यही एक मकसद हमारा पूरा होता था उस वक्त। साल 2004 बाला साहब ठाकरे से मिले मियांदाद। जावेद मियांदाद का नाता भारतीय राजनीति के कुछ दिग्गजों से भी रहा है। ये तस्वीरें उस समय की है जब जावेद मियांदाद ने शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे से मुलाकात की थी। साल 2004 में एशिया कप के लिए भारत आए जावेद मियांदाद बाला साहब ठाकरे से उनके घर मातोश्री में जाकर मिले थे। एक बार फिर मियांदाद भारत पाकिस्तान मुकाबले के गवाह बनने वाले हैं, हालांकि इस बार वो मैदान के बाहर ही रहेंगे।